अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू आर वेल एंड गुड। तो फाइनली हम GTA 5 ऑनलाइन के सेकंड एपिसोड में आ गए हैं, तो आप सबका भी वेलकम है यहाँ पर। तो अब हम थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे भाई इसमें क्या क्या है। फिलहाल तो हम जा रहे हैं कुछ शॉपिंग के लिए, कुछ इनिशियल मिशन है इनके। आपको स्टोर और आर्मर वगैरह मतलब कि कुछ चीज़ें चाहिए जो कि लाजमी हैं, और कुछ मतलब के पैसे भी बनाने हैं, वहाँ पर खर्च भी होंगे, लेकिन उसके बाद ये आपको मिशंस और खुद ब खुद सजेशन में आते जाएंगे। फिलहाल हमें गाड़ी चाहिए। ओ भाई ओके ओके, इससे हम गाड़ी लेते हैं फिलहाल। चल बाहर आ गई, हियर वी गो। तो थंबनेल में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि मैंने $1 million कमाए हैं या बनाए हैं, मतलब कि जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके कि वो कैसे मुझे मिले $1 million। और ये मतलब कि ओरिजिनल है। $1 million बहुत बड़े होते हैं GTA 5 में, बहुत बड़ी रकम है, आपको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं वरना अगर $1 million आपको कमाना है GTA 5 ऑनलाइन में। जितनी मर्जी बड़ी रोबरी कर लें, इतनी बड़ी रकम हाथ नहीं लगती। तो ये मैं इसका आपको एक एडवांटेज बताऊंगा कि ये आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिले हैं, बिल्कुल फ्री, कुछ भी नहीं किया, कोई मिशन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ गेम में इंटर हुआ है और $1 million आपको मिल रहे हैं। फिलहाल हम जा रहे हैं अपने स्टोर की तरफ और वहाँ से कुछ कपड़े बाय करेंगे। बिल्कुल फजूल गाड़ी है। ओके, हम पहुँच गए अपने स्टोर के पास। अब चलते हैं स्टोर में और देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ है हमारे लिए। अबे भाई ये नहीं है, ये बंद है। सात वाला। हाँ यहाँ जाने। वो सारे पैसे उड़ा रहे हैं। ओके स्टोर नहीं भाई, गलत जगह आ गए हैं। पहले हम आ गए बार्बर के पास, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक होगी, लेकिन चलो कोई नहीं। पहले हम कटिंग शटिंग करवा लेते हैं, लुक शुक VIP कर लेते हैं, उसके बाद हम जाएंगे स्टोर की तरफ। खाला VIP जे बाल बना दे, सोना कर दे, एकदम चिकना मुंडा कर दे, VIP मस्त मोल मिठे चोल। ओके ओ ये क्या, नहीं नहीं पहले जैसा था, ये बेहतर है। हाँ ये सही है। ओके लेट्स गो गाइस। ओके पर्सनैलिटी चेक करो, जालिम लोंडियां पिघल जाएंगी इसे देख के। अब हम चलते हैं स्टोर की तरफ। ये कैसे बार बार मतलब के जब भी इसे चलाना है इसके शीशे तोड़ने पड़ेंगे। ओके ट्रिप कर रहा है, चलो भाई। तो ये कौन चीख रहा है पीछे? ओ भाई अच्छा गाना है, मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आवाज आ रही है। चलो GPS वगैरह चेक कर लेते हैं और चीजें देख लेते हैं क्या कुछ है हमारे पास। ओके तो ये बता रहे हैं कि अमेरिकन होने के फायदे क्या हैं। दे आर द सुपीरियर देन अदर्स। लेट्स गो गाइस, देखते हैं क्या कुछ रह गया हमारे पास। थोड़ा देख लेते हैं मेन्यू वगैरह इधर, उसके बाद चलते हैं हम आगे। टैक्सेस भी पे करने हैं, चलो कोई नहीं। क्लोथ स्टोर, अब हम जा रहे हैं स्टोर की तरफ। वो पहले मेरा थोड़ा सा वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि मैंने गेम रिकॉर्ड करके रखा हुआ था, तो इस वजह से मैं भूल गया कि पहले मैं उधर बार्बर के पास गया था कि यार मैं स्टोर पे गया था। चलो कोई नहीं, फाइनली हम पहुंचते हैं स्टोर की तरफ, तो निकलते हैं यहाँ से। यहाँ ओके ठीक है, बस नज़दीक ही है, बिल्कुल करीब है, देख के भाई ठोक। ओके ड्राइविंग, तुम्हें पता तुम्हारा भाई की ड्राइविंग का कोई मुकाबला नहीं, रेसर रेसर। और कोई नहीं, छोटी मोटी तो लगती रहती हैं, इट्स ओके इग्नोर करें। आ गए हैं हम क्लॉथ स्टोर की तरफ।
कहाँ पर है दरवाजा? ये रहा, चलो अंदर चलते हैं। भाई अंदर चल। हाँ इधर चलो, लेट्स गो। कतई जालिम दुकान है भाई। ग्लासेस वगैरह? नहीं, ग्लासेस नहीं बाय कर सकते। जैकेट्स वगैरह देख लेते हैं इधर क्या कुछ है हमारे लिए। ओके, तो यहाँ पर आ गई है हमारे पास डिफरेंट कलर की जैकेट्स, ब्लू, रेड, जीन्स, ग्रीन। चेक करते हैं, पहनकर ट्राई करते हैं कौन सी हम पे बेहतर लगेगी। बेकार है, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, ए बी ए बी ए बी ए बी, ये बेहतर है, ये वाला। नहीं, ये हाँ, ये बेस्ट है। ओके, कितने की है? $8,000। इतनी महंगी? औकात से बाहर कोई बात लेंगे, अपने कौन सा बाप के पैसे हैं। चलो भाई, परचेज कर लिया। और क्या, इधर थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। इधर भी वही जैकेट्स वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा वो फॉर्मल हो जाएगा। ओके, तो हमने खरीद लिए अपने कपड़े वगैरह, अब चलते हैं नेक्स्ट। आगे क्या करना है भाई हमें? चलो इसे, ये मैंने यहाँ पर गेम खत्म कर दी थी, उसके बाद मैंने दोबारा मतलब कि जब स्टार्ट की थी तो वो कल की रिकॉर्डिंग है, मतलब अलग से रिकॉर्ड की हुई थी, तो उसके अंदर ये है वो नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर हमें मिल गए हैं भाई जी $1,000,000। तो ये मैं आपको बताता हूँ मिले कैसे। पहले थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर लें, देख लेते हैं कि क्या क्या कुछ हम खरीद सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या है जी, बैंक वगैरह। ओके, फ्लाइट्स बुकिंग, फलाना फलाना, ये हमारा मेन्स बैंक है। हम देख लेते हैं हमारे अकाउंट में कितने पड़े हैं। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं बैलेंस मेरा $1,000,000, और कैश में हमारे पास तकरीबन $5,000 हैं। कि मैं से क्या डिपॉजिट? नहीं, ये काम गलत है, कैश होना चाहिए थोड़ा बहुत। और क्या पर है, और क्या है यहाँ पर भाई? ओके, ये क्या चीजें हैं? स्वेगो, वो द शूज, फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कि देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद इसको कुछ ना कुछ बाय कर लेंगे। अभी हमें चलते हैं आगे, हमें चाहिए फिलहाल हथियार, कोई ना कोई गन हमें चाहिए, ताकि हम कुछ ना कुछ मतलब कि अगर कहीं रोबरी वगैरह है, कोई सीन भी करें, कम से कम बंदे के पास कुछ होना तो चाहिए। तो देखते हैं कहाँ पर है हमारी एमओ शॉप। तो यहाँ पर है, बिल्कुल नज़दीक ही है, बस कुछ टाइम ही लगेगा। तो निकलते हैं इसकी तरफ और चलते हैं खरीदने कोई गन। तो हाँ, मैं बता रहा था ये $1,000,000 मिले किस तरह। तो भाई ये एपिक लॉन्चर पे, जब एपिक वालों ने गेम फ्री की थी, तो तब जिन लोगों ने ये वहाँ से मतलब ये फ्री इंस्टॉल की है या बाय की है, तो उन लोगों को ये सिर्फ एपिक स्टोर वालों की तरफ से $1,000,000 मिला है। इसके अलावा मतलब कि कोई तरीका नहीं कि आप लोग समझे कि इनमें कोई ट्रिक वगैरह यूज़ की है, कोई ट्रिक नहीं है। ये एपिक लॉन्चर वालों की तरफ से $1,000,000 मिले हैं, तो जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ें वगैरह परचेज करने के लिए। तो मेन बात जो ये है कि वो लोग मतलब के बहुत सही रह गए हैं जिन्होंने फ्री में ये गेम इंस्टॉल कर लिया है, वरना अगर आप बाय भी करें तो आपको $1,000,000 कभी भी नहीं मिलता। आपको वो शार्प पॉइंट्स खरीदने पड़ते हैं, उसके बाद आपको डॉलर्स मतलब कि जैसे आरपी पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो आपको मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी गन की तरफ। तो अब हमें चाहिए कोई लश पश सी गन, तो देखते हैं हमारे लिए इधर क्या कुछ है। फिलहाल तो पहुंचते हैं यहाँ से लेफ्ट। ओके,
ड्राइविंग चेक करो भाई की, कैसे दरमियान से निकाली है, बिल्कुल आराम से मक्खन की तरह। ओके, लाइट चली गई है यहाँ पर, लेट्स गो गाइस। तो हम पहुंच गए हैं फाइनली अपनी एमओ शॉप के पास। पुलिस किसको पकड़ती फिर रही है, पीछे से सायरन बहुत बज रहा है। ओके लेट्स गो भाई, चल रुक गया। ये लेफ्ट पर किस चीज की फील्ड आ रही है। ओके, ये अब हम आ गए हैं शॉपिंग। ओहो, मैं कह रहा यहाँ पर जैकेट से ज्यादा मजे की। चलो देखते हैं, खैर कोई ना कोई गन देखते हैं। फिलहाल सिलेक्ट करते हैं कौन सी बेस्ट रहेगी। ओके, फोन पे पहले मैसेज वगैरह देख लेते हैं। लिमार का कोई मैसेज तो नहीं आया भाई। ये भी जलील करके रखा हुआ, कोई भी काम उसने पहले ना इधर मैसेज करना। गो टू द स्टोर, अच्छा इसके बाद हमें स्टोर जाना है, मतलब कि वो हमारा मेन मिशन था। यहाँ पर हम वैसे ही आ गए हैं मुफ्त में। चलो चेक करते हैं हमारे पास इधर क्या कुछ है। ओके वो हो, ये नहीं भाई, लॉन्चर नहीं चाहिए भाई, लॉन्चर नहीं चाहिए हमें, चाहिए ये वाली गन। हाँ तो भाई लॉन्चर कितने का है, नहीं वो इसका क्या करना, हम परचेज करते हैं ये गन। इसका नाम क्या है? ओके T6। ये है भी सस्ती सी, कोई इतना मतलब कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा। ठीक है, ये परचेज कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ, स्टोर की तरफ। तो देखते हैं वहां पर क्या करना जाएगा। ओके, थोड़ा एमओ वगैरह भी परचेज कर लेते हैं। हमने परचेज कर लिया एमओ, अब यहाँ से चलते हैं बाहर। ओके, सुबह हो चुकी है। कतई जालम व्यू है यार, मजा आ गया। लेट्स गो। तो ये हमारा मिशन हमारे सामने आ गया है, अब हमें जाना है स्टोर की तरफ। तो देखते हैं वहां पर जाके करना क्या है। एक तो चीजों को देखने में इतना मतलब कि टाइम लगता है ना कि पता ही नहीं चलता, टाइम ही गुजर जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्या चीज है देखते हैं। गो टू स्टोर, हियर वी गो। ये है ना मजे की गाड़ी, पीछे वाली तो बिल्कुल ही थक्कड़ थी, चल ही नहीं रही थी, मर मर के चल रही थी। ओके गलत आ गए हैं, पीछे जाना वापसी। अब चलते हैं अपने स्टोर की तरफ। तो गाइस मतलब कि जिन लोगों ने वो परचेज की हुई थी, तो मतलब कि सिर्फ वहाँ पर आपको एक दफ़ा बाय करना था, उसके बाद जो मर्जी आप डाउनलोड कर लेते वो कोई इशू नहीं था। लेकिन उसका हमें ये फ़ायदा बहुत हुआ, हम जितने भी फ्रेंड्स वगैरह ने हमने वो डाउनलोड किया, हम सबके पास वन मिलियन डॉलर मतलब कि हमें मिला। अब हम यहाँ पर अपना मैंशन वगैरह बाय कर सकते हैं और जो चीज़ें मतलब कि चाहिए ज़रूरत की, मतलब कि मैक्सिमम चीज़ें आप बाय कर ही लेंगे। वरना आप 1 मिलियन डॉलर बनाने में GTA 5 में आपको दिन लग जाएंगे, असली वाले दिन। सही है ना, जितनी मर्जी बड़ी रोबरी कर लें, पहले तो आपको क्रू वगैरह ज्वाइन करना पड़ता है रोबरी वगैरह के लिए। इतना आसान नहीं है कि आप मतलब कि कहें कि कहीं भी जाकर रोबरी कर लें, एक आदमी का वो काम नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी वगैरह चोरी करके वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, कैंडीज क्या चाहिए भाई तुझे। अच्छा तो इससे ओके, वो भाई से लूटना था। चलो लेट हो गए, पुलिस आ गई, बढ़ गए भाई, काम खराब हो गया। अब देखते हैं क्या करते हैं। मेरे ख्याल से हमें गन नहीं निकालनी चाहिए, शायद वो हमें छोड़ दें, हो सकता है वो हमें छोड़ दें, क्योंकि नहीं निकालनी चाहिए गन, नहीं निकालनी चाहिए गन। मैंने भाई कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कवर पकड़ कुछ भी नहीं किया मैंने, वो हाथ भी नहीं लाया, कसम नाल हाथ भी नहीं लाया। ओ भाई कुछ भी नहीं किया, ओ फाड़ लिया है तो कोई गल ना, कुछ किया भी नहीं है फिर भी इन्होंने पकड़ लिया। चलो क्या कह सकते हैं। तो भाई हम अपना एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।
उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। जब तक के लिए।